केंद्र सरकार की तरफ से देश के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है। ऐसी ही एक योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने की है। पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के ठीक बाद प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे। चलिए जानते हैं कि इस योजना का फायदा किन लोगों को मिलेगा और इसका नियम क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान करने के बाद पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा है, सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व की सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा यह संकल्प और प्रशस्त हुआ है कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफ टॉप सिस्टम हो। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफ टॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ ही प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही में भारत ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेगा। अब मुद्दे पर आते हैं, इस योजना के तहत किसे लाभ मिलेगा और योजना का लाभ लेने के लिए करना क्या होगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए शुरू होने जा रही है। सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। फिलहाल सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई दिशा निर्देश तो जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जिन परिवारों की आय 2 लाख रुपए से कम होगी उन्हें इस योजना का फायदा मिलेगा। फिलहाल 1 करोड़ लोगों को योजना के तहत लाया जाएगा। सोलर पैनल लगाने के बाद लोग बिजली के बिल की टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा उन राज्यों के लोगों को होगा जहां बिजली काफी ज्यादा महंगी है। वहीं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 2024 के लिए पात्रता की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, इस योजना का फायदा उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिन परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है। सरल भाषा में कहा जाए तो इस योजना का लाभ देश की गरीब व मध्यम वर्ग की जनता को ही दिया जाएगा। अगर आप भी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 2024 के तहत अपने घर की छत पर रूफ टॉप सोलर लगवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नेशनल पोर्टल फॉर रूफ टॉप सोलर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ध्यान रहे कि आवेदन पत्र में पूछी गई भी जानकारी को सही से दर्ज करवाना होगा। और साथ ही में आपको सबसे बड़ी जानकारी तो यह दे दूं, आपको पूरी जानकारी है तो ही आधिकारिक वेबसाइट पर आपको यह काम करना है, क्योंकि जब कोई भी नई योजनाएं आती है तो जालसाज या कह सकते हैं साइबर ठगी वाले लोगों को फंसाने के लिए फेक वेबसाइटें भी बना लेते हैं और ऐसे जालसाज निजी जानकारियां लेकर आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए फिलहाल आप जल्दबाजी न करें। और फिलहाल तो सरकार की तरफ से भी इसको लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। जब पूरे दिशा निर्देश जारी हो जाएंगे उसके बाद आप किसी जानकार व्यक्ति या नजदीकी ई मित्र पर जाकर इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सरकार की इस योजना का मकसद है कि इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही में भारत ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेगा।